हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइस। कैसे हो आप लोग? होप्स हो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी घर में हो रहा है बहुत बड़ा काम, दिखाती हूँ मैं कि क्या हो रहा है और मम्मी और सासू माँ मिलके क्या कर रही हैं। साफ सफाई करते हुए हाँ थो ना ये तो बराबर है तो रस्ते में आज देखे बराबर हाँ तनी को छे खाली इतना जरा सा तनी को टनकते ना जरा सा ना सब माथा गिरेगा एकदम हल्का। मम्मी देखना एलेक्सा एलेक्सा मैडम भी ऊपर ही है। हो गया ना, थोड़ा और भी कर सकती है ऐसे अगर लगे, थोड़ा और कर सकती है। हाँ ठीक है ठीक है, बस जो चीज हटेगा सब बेस वाला है ना, सबके नीचे कचड़ा ही निकलेगा। अभी दीवान हटेगा तब देखना, जबकि अभी कितना दिन हुआ है, एक महीना। बच्चा करवे करता, कोई बात नहीं, क्या करेगी, बच्चा छोटा है, वो होशियार हो जाएगा। कॉकरोच भी क्लीन करा देना मम, थोड़ा सा जरा सा खींच दियो। हटाओ फिर ये सब चीज नहीं आएगा माँ रास्ता में। नहीं, वो तो जगह है, ये देखिए ना, मतलब नयन के उससे अलग टूट टाटने जाएगा ना। नयन फाका है ना, दीवार से थोड़ा फाका ही रहना चाहिए। ये नहीं, ये नीचे देखो, नीचे जैसे नयन को छुएगा ना, देखो सटा हुआ है बोर्ड में, थोड़ा सा इधर कर दो जरा सा आगे। नहीं तो हटा के उस पर कर देते हैं। देखो नहीं, थोड़ा सा आगे करने बोल रही हूं बोर्ड। नहीं आप कुछ नहीं करो, बोर्ड वहां सटल छ ना, उसे नहीं जाना चाहिए पहले, जरा सा आगे आगे उधर से हां बस थोड़ा सा, इतना फाका रहना चाहिए। वो सब नहीं छूना नहीं, देखिए ना वो क्या निकला हुआ है। बस हो गए, देखिए दो प्राणी क्या कर रहे हैं लोग। इस पर भी चढ़ जाएगा, ये बोले कि तो उस पर भी चढ़ा के रख देंगे हम, तो फिर यार चला जाएगा। फिर यहाँ सामान कुछ भी रख सकती यार वो। नहीं हाँ इसको चढ़ा देते हैं, उस पर क्या करेंगे, उसको तो ऐसे चढ़ा दे। नहीं ऐसे ठीक तो है मम्मी, इसको किचन में तुम रही ना, दिक्कत है यहाँ जो कर रही है। नहीं आता नहीं ना, आता है तुम्हारा तो पता है, जावे आवे के कुछ नहीं छोड़ते, कुछ नहीं इसको थोड़ा सा इधर करके ऐसे रखो। हां ठीक छे, नहीं है कोई दिक्कत मम्मी, था पहले हम दो तीन तरह से नहीं था, दो तीन तरीके से था, जब जगह हमको चाहिए तो जगह बना दो तो ज्यादा बेटर है। वही कि ओकरा में सामान नहीं डाल लेथुन, फिर उधर सामान डालने की का इतना हो नहीं, तो कुछ ऐसा सामान रख दो जैसे पेंट उंट का सामान है जो तुरंत हर समय नहीं निकालते, तो फिर निकालेगी क्या, फिर भिजेगी। एक बार ऊपर चढ़ा के देखो तो पीछे हटे जाए, अभी ऐसा नहीं टूट जाए। छोड़ दो मुझे ही रहने दो, नीचे तो फ्रिज नहीं सामने वाले, तो राहुल का तो भी फ्रिज कर दी सामने है बोलता थे। नहीं ठीक, राहुल को ये सब चीज से मतलब नहीं है, वो बेटा के लिए वो रहे दो ऊपर कर वो, फिर चौड़ाइयो देखो चक्का बाहर हो जाता हूँ, चकवा निकल लटक जाते एक नीचे गिरे हुए छे चक्का बाहर आ जाते। हाँ देखे जो चक्का ही लटक जाता हूँ इधर रह दो वहीं। अच्छा अरे सो भी तोरा इकरा यहाँ रख लो ना, तू टेबल घुसा के भी एकरा पर आ जाते हैं, वो जो छोटका जो टेबल छो ना ओकरा पर चौड़ा टेबल छो ना, वो भी यहाँ आए के ओकरा पर भी रखा जाता हूँ, तो भी अपना जगह पर चलते नीचे जगह खाली हो जाते साफ सुथरा रहता है। हाँ देखिए ना वो अटक जाता है फ्रिज के बगल में। तो गाइज अभी बच गए हैं सुबह के 10 और बहुत सारा काम है, मुझे कोई काम करना है नहीं, बस मेरे बगल में बाबू सोई है, इसको फीड कराना मेरा काम है, मैंने खुद खा लिया, अभी ये उठेगी तो इसका जो काम है आज मैं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम है। और ये देखो नयन,
ये सब मैंने कपड़े वगैरह समेट के रख दिया। एंड आप देख सकते हो उधर जितना सामान है वो उस रूम से आया है, और स्ट्रॉलर वगैरह सब, तो सबको मैं जगह पे वापस रखूँगी, साफ वाफ कर। ये देख सकते हो उधर मैंने कुछ कुछ सामान रखा, कबर्ड सब। गाइस थोड़ा क्या है ना कि मतलब घर अब छोटा पड़ गया अपने को, फैमिली बहुत मतलब काफ़ी बड़ी हुई, जैसे सामान उमान फैमिली बड़ी है, लोग आते जाते रहेंगे, बेबी अभी स्मॉल है छोटी है, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ेगा, लोग आते जाते भी रहेंगे उन लोगों को देखने के लिए। तो बस बात ये है कि अब फ्लैट अपने हिसाब से, हमारे घर में 4-5 अलमीरा हो गया और फ्लैट है 2 BHK, तो अब हम लोग देख रहे हैं 3 BHK में शिफ्ट करने के लिए। तो देखते हैं क्या हो पाता है, मैं आपको अपडेट तो देती रहूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेड मैंने बाहर शिफ्ट किया और ताकि बेबी को मतलब बाहर रख सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ हेल्प नहीं हुआ, फ्लॉप आइडिया था वापस बेड को रूम में रख रही, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है और बैल्कनी से ठंड लगता है, थोड़ा बहुत हवा तो आ ही जाता है, थोड़ा बहुत बैल्कनी हमें नॉडी के लिए खोल के रखना पड़ता है। तो अब लेट्स सी देखते क्या होता है। वापस बेड को फिलहाल तो रूम में करवा रहे हैं, जो जैसे अरेंजमेंट था वापस करा रहे हैं, और मैं शेयर करूँगी आपसे वीडियो। तो ठीक है गाइस, बने रहो पूरे ब्लॉग में, एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ये देखो गाइस मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है मम्मी, मेरा पर्दा को एक नया रूप रंग दे रही है, क्योंकि नीचे से बहुत ज्यादा घसीटा आ रहा था जमीन में। ये देखो मम्मी सुपर टैलेंटेड है, चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कैसे। और ये नयन की दादी हिलते डुलते जा रही है नीचे मम्मी हंस रही है, ये नयन लेके जा रहा है दादी को नीचे। कहा है नयन, क्या दिक्कत है, ये भी ड्रेस है इसमें तो, और अच्छे से ढका हुआ है शरीर, देखो चलो भाई ज्यादा वो हो गया नयन, जाओ अनैन बदमाशी झगड़ा लड़ाई नहीं करना, एकदम आराम से खेल के और जल्दी से आ जाना दादी बोले तो, नहीं तो फिर लेके नहीं जाएगी दादी। बाय बाय, रुक जाने, ठीक है माँ।